तो ये बड़ा एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हालात में हुक्मों पर कायम रहना, हालात में हुक्मों पर कायम रहना, ये बड़ी चीज है। इस्तेकामत, नबियों से इस्तेकामत का मुतालबा होता है अल्लाह की तरफ से, इस्तेकामत के साथ रहो, पाबंद होकर के रहो, हालांकि वो इसी काम के लिए पैदा हुए हैं मासूम है, तब भी उनसे पाबंदी का तकाजा। मूसा अलैहिस्सलाम से, हारून अलैहिस्सलाम से तकाजा कि कायम रहना, फस्तकीमा, दुआ मांगी थी मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के तबाह होने की, कि इसने सारी रुकावटें कर रखी है और बात तो मानता भी नहीं और लोगों को मानने भी नहीं देता, इसलिए बद्दुआ की, वो कबूल हो गई, उसकी खबर दी अल्लाह ने कि जो दुआ तुमने की है वो कबूल है, होगा। बाकी आप लोग अपने अपनी बात पर कायम रहना, दोजी बदलावत को मैं फस्तकीमा, दुआ मैंने कबूल कर ली है लेकिन तुम कायम रहना, हाँ काम करना, कायम रहना। उलमा ने लिखा है कि दुआ की कबूलियत की खबर आने के 40 साल के बाद फिरौन डूबा है, सालों का चिल्ला होता था, दिनों का नहीं। हम बदला को कबूल हुई है और इसको हलाक करेंगे, बाकी तुम्हें अपने काम पर कायम रहना है। तो कितना अरसा हुआ कि वो 40 साल के बाद हुआ है, वो कि बदला भी कबूल है और 40 साल काम करवाए, पाबंद रहो, खुद अपना काम करेंगे, बंदा अपना काम करेगा, हालात की वजह से दिल इधर उधर ना हो जावे, अच्छे हालात में डूब गए दिल उधर पलट गया, नागवार हालात में मायूस हो गए और दिल उधर पलट गया, तो फिर कब काम करेगा। इसे पहले जमाने के जो अल्लाह के खास बंदे थे उनकी दुआ थी, वो अल्लाह से दुआ मांगते थे, कुरान करीम ने उनका जिक्र किया हमारे लिए, रासिखीन फिल इबादत, रासिखीन फिल इल्म, जो इल्म में गहरे और पक्के होते थे मेरे बंदे, वो दुआ मांगते थे। क्या दुआ मांगते थे? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये जो इल्म में पुख्ता थे, अमल के लिहाज से, यकीन के लिहाज से, अपने इल्म में पक्के, वो अल्लाह से दुआ मांगते थे कि हमारे दिल टेढ़े ना हो जाएं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हे अल्लाह हमारे दिल टेढ़ा ना हो जावे। हाँ, नाराज होते हैं अल्लाह ताला बंदे की हरकत से तो दिल टेढ़े हो जाते, जैसे बर्तन, कोई बर्तन पानी के नीचे, नल के नीचे रखा, सीधा है वो पूरा पानी ले रहा है और बर्तन टेढ़ा हो गया, पानी पिया जाएगा, पानी बह जाएगा और बर्तन भी नहीं आएगा, टेढ़ा हो गया। तो फैजान होता है अल्लाह की तरफ से हिदायतों का, क्योंकि बंदा सीधा कायम है तो फैजान होता है। मन तकर्रब इलैय शिबरन तकर्रब तो इलैय ज़रान, इसकी दावत है कि जो मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है मैं अपनी ताईद और अपनी रहमत उसी तरह एक हाथ बढ़ाता हूं, क्योंकि ये सीधा है तो फैजान होता है ऊपर से। एक दो हाथ एक हाथ बढ़ता है तो अल्लाह ताला जो है अपनी ताईद और अपनी मदद और रहमत दो हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं। ये सीधा है तो फैजान होता है, लेकिन टेढ़ा हो गया या आप नहीं। फलम अजाक अजाक अल्लाह कुलूबहुम, पहली उम्मतों को
कि जब ये टेढ़े चले तो हमने उनको उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया, चलो जाओ, अब वो फैज नहीं मिलेगा जो मिल रहा था, क्यों ये कायम नहीं रहे। इसलिए अल्लाह ताला के जो नेक बंदे थे रासिखीन फिल इल्म, वो ये दुआ मांगते थे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। उनकी दुआ नकल की अल्लाह ने, वो ये कहते थे अल्लाह हमारे दिल टेढ़े ना हो जावे, हमारे दिल टेढ़े नहीं बनाना, हमारे लिए टेढ़ा मत करना, और क्या करना कि वह हब लना मिन लदुनका रहमा, अपनी तरफ से हमको रहमत दीजिए। ये रहमत से मुराद इस्तकामत है। वहब लना मिन लदुनका रहमा, अपनी तरफ से हमको इस्तकामत और पाबंदी नसीब कीजिए, दिल टेढ़े ना हो जाए। आप तो बहुत देने वाले हैं, आप तो बहुत देने वाले हैं। तो इल्म वालों ने इस्तकामत मांगी, नबियों से अल्लाह ने इस्तकामत का तकाजा किया, और वो हजरात शुक्र गुजारी के साथ पाबंद रहते हैं। ये सब मिसालें अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस से दिखाता है कि पाबंद रहना बहुत पसंद है हदीसों में, कि अल्लाह को वो अमल पसंद है इस पर बंदा पाबंदी करे, चाहे वो थोड़ा ही हो, थोड़ा ही हो, पाबंदी करें। हाँ, इस्तेकामत ये मतलूब है और जरूरी है दीन में। हाँ, खेल न बनावे, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी किया कभी नहीं किया, जी चाह तो किया, जी नहीं चाह तो नहीं किया। ये नहीं, ऐसा नहीं, पाबंद रहे, पाबंद रहे और डरे अल्लाह से, ऐसा ना हो कि मैंने टेढ़ा अपने आप को टेढ़ा किया, वहीं से टेढ़ा अल्लाह ताला दिल टेढ़ा कर दे। अल्लाह की रहमत नेमत का तो उम्मीदवार रहे आदमी, लेकिन अल्लाह की बेनियाजी से डरे। अल्लाह बहुत बेनियाज है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बेनियाज है, इसलिए अल्लाह की बेनियाजी से डर है कि अल्लाह को मेरी जरूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह के तो लश्कर के लश्कर हैं उसके कामों के लिए, इतने फरिश्ते हैं इताअत करने के लिए। हाँ, और कितनी मखलूक है अल्लाह ताला की जिसको अल्लाह ने मुसख्खर किया है, मुसख्खर किया है। मुसख्खर का मतलब यह है कि उनको काम में लगा दिया है, वो वही काम करेंगे जिस काम में उनको लगाया है। पहाड़ों के जिम्मे कौन है? पहाड़ अपना काम करेंगे, समंदर अपना काम करेंगे, हवा अपना काम करेगी, आग अपना काम करेगी, सूरज अपना काम करेगा, चांद अपना काम करेगा। तस्खीर, तस्खीर, तस्खीर का मतलब ये है कि मुझे काम में लगा रखा है, वो वही काम करेंगे, उधर इधर उधर नहीं होंगे, इधर उधर नहीं होंगे, क्यों? काम में लगाया है। और एहसान क्या है कि उनको काम में लगाया है और तुम्हारे काम में लगाया है। यह कहा अल्लाह ने बनी आदम से कि मैंने उन तमाम चीजों को पाबंद किया है, काम में लगाया है और तुम्हारे काम में लगाया है। तस्खीर वसख्खर लकुम मा फिल अर्दि जमीअ, जमीन की तमाम चीजों को हमने मुसक्कर किया है, तुम्हारे काम में लगाया है। आग हो, पानी हो, हवा हो, तो है ही, ये समंदर तुम्हारे काम में, जानवर तुम्हारे काम में, मुसक्कर है। सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, सवारी की दुआ पढ़ते नहीं पढ़ते? घोड़ा हाथी ऊंट कितने ताकतवर है, लेकिन आपके ताबे हैं, आपके ताबे हैं। हाथी ताबे सड़क पर जा रहा है और बाईं तरफ चलेगा, जैसे गाड़ियां बाईं तरफ चलते हैं ना, अपनी बाईं तरफ, ये भी अपनी बाईं तरफ चलते, पाबंद कर दिया।
चीजों को पाबंद किया। आदमी पाबंद रहे क्योंकि हमें पाबंदी का हुक्म दिया है, इस्तेकामत से रहो, काम छूटे नहीं।